नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 सितंबर 2021। इस डिस्कशन में हम 4 सितंबर 2021 के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गुजरात सरकार 2022 में गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 के किस संस्करण की मेजबानी करेगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 12th एडिशन। गुजरात सरकार 2022 में डिफेंस एक्सपो 2022 का गांधीनगर में 12वें एडिशन की मेजबानी करेगी। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 12th एडिशन। अब देखो इंपोर्टेंट है यहाँ पे गुजरात, तो गुजरात से आप 5-6 पॉइंट याद रखेगा। सबसे पहला पॉइंट, अभी हाल ही में गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल इसको लॉन्च किया था। दूसरा पॉइंट, गुजरात का जो कच्छ जिला है ना, कच्छ जिले में मतलब कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है कुनरिया गांव। ये गांव किस लिए न्यूज में था? यहां पे पहली बार बालिका पंचायत का गठन किया गया। थर्ड पॉइंट, आंगनवाड़ी बच्चों को, आंगनवाड़ी जो स्टूडेंट हैं इनको ना यूनिफॉर्म देने वाला गुजरात पहला राज्य बना था। फोर्थ पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा जो टॉय म्यूजियम है ये गुजरात में बनेगा। फिफ्थ पॉइंट, भारत का पहला डायनासोर पार्क ये माही सागर में बना, जो गुजरात के अंदर है। सिक्स्थ पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पर बना? ये बना अहमदाबाद में। तो ये 6 पॉइंट आप याद रखेगा गुजरात से संबंधित, जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब गुजरात की लोकेशन देखिए आप, ये है गुजरात की लोकेशन, ये देखिए आप, ये गुजरात की लोकेशन है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तीन राज्यों के साथ गुजरात की बाउंड्री शेयर होती है और पाकिस्तान के साथ भी ये इंटरनेशनल बाउंड्री साझा करता है गुजरात। ये गुजरात की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ये गुजरात की है। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। देखो कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो एशियाटिक लायंस हैं ये भारत में सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे, और गुजरात में भी कहाँ पे? इसी गिर नेशनल पार्क में। आमतौर पर एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड सेंचुरी, मैरीन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात में स्थित हैं। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, ये तीनों लेक भी गुजरात में हैं। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के किनारे पे है, कमलेश्वर डैम हिरन रिवर के किनारे पे है, दंतीवाड़ा डैम ये बानस रिवर के किनारे पे है, और कड़ाना डैम ये माही रिवर के किनारे पे है। तो ये थी कुछ गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 सितंबर 2021 को किस राज्य के दावणगेरे जिले में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कर्नाटक। देखो ये क्वेश्चन ना इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जाएगा। होता क्या है, जब देखो डेट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो पता है उनका आंसर ना बहुत टिपिक, मतलब बहुत एक तरीके से मुश्किल होता है कि वो क्वेश्चन सोल्व किया जाए, क्योंकि ये डेट वाइज पूछा जाता है। योजनाएं तो हर बार, मतलब किसी न किसी राज्य में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये लॉन्च किए जाते हैं, इनका इनॉग्रेल किया जाता है, लेकिन जब डेट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कर्नाटक का इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये आप याद रखेगा। सेकेंड क्वेश्चन का जो है ये ए आंसर सही है, कर्नाटका की लोकेशन। अभी हम आगे कवर करेंगे, पहले बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोवा से। गोवा किस लिए न्यूज में था? गोवा ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना, कौन सी? पानी बचाओ योजना इसको लॉन्च किया। केरल किस लिए न्यूज में था? केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको लॉन्च किया। असम की बात करें तो असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना इसको लॉन्च किया। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। तो देखो ये क्वेश्चन आप याद रखेगा, 2 सितंबर 2021 को
कर्नाटका का जो दावणगेरे जिला है ना, यहाँ पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अब कर्नाटका की बात हुई है तो कर्नाटका की आप लोकेशन देखिए, पहले यह है कर्नाटका की लोकेशन, ये देखिए। इसके आसपास के राज्यों की बात करें तो गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, इन राज्यों के साथ कर्नाटका की बाउंड्री शेयर होती है। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बैंगलोर इसकी कैपिटल है, जिसे सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। बसवराज बोमई मुख्यमंत्री हैं, थावरचंद गहलोत ये राज्यपाल हैं। बैंगलोर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सतीश चंद्र मिश्रा, ये भी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, सॉरी हाईकोर्ट तो हमने कवर कर ली, नेशनल पार्क की बात करते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी कर्नाटक में स्थित हैं। डैम की बात करें, कृष्णा राज सागर डैम जो कावेरी रिवर के किनारे पे है, तुंगभद्रा डैम ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे है, अलमाती डैम काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये कृष्णा रिवर के किनारे पे है, हेमावती डैम ये हेमावती रिवर के किनारे पे है, और काबिनी डैम, ये सभी डैम ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त खुबानी का पहला वाणिज्यिक शिपमेंट किस शहर को निर्यात किया गया? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखो, थर्ड क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, यह है दुबई। दुबई कहां पर है? दुबई एक सिटी है यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। जकार्ता की बात करते हैं, जकार्ता क्या है? ये इंडोनेशिया की राजधानी है, उसकी कैपिटल है। पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है। टोक्यो की बात करें, ये जापान की राजधानी है। दोहा की बात करें तो दोहा जो है ये कतर की राजधानी है। और याद रखिएगा, यूएई की जो राजधानी है ये क्या है? यह है अबू धाबी। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है दुबई। लद्दाख की लोकेशन यह रही आपके सामने, ये देखिए। इसकी बाउंड्री जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश इन दोनों के साथ साझा होती है, और पाकिस्तान, चाइना इन दोनों के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है लद्दाख। ये लद्दाख की कैपिटल है लेह। यहाँ पर दो जिले हैं, एक तो लेह और दूसरा कारगिल। एलजी कौन है? राधा कृष्णा माथुर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं आर के माथुर। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों एक साथ यूटी बनाए गए। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है। यहाँ की जो हाई कोर्ट है इसका नाम चेंज कर दिया गया है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सितंबर 2021 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के 61वें स्थापना दिवस को संबोधित किया? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं। किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा सितंबर 2021 में इस्तीफा देंगे? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये जापान के प्रधानमंत्री हैं, जो सितंबर 2021 में भी इस्तीफा देंगे। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे ओमान, ओमान की जो कैपिटल है ये क्या है? यह है मस्कट। कतर की बात करें, कतर की जो कैपिटल है, कतर की कैपिटल है दोहा। इटली, देखो कल हमने ना ये गलत बोल दिया था, इटली की जो कैपिटल है ये रोम है। और हमने क्या पढ़ा था? देखो गलती से मुझसे अंकारा निकल गया था। अंकारा जो है ये इटली की कैपिटल नहीं है, अंकारा है ये टर्की की कैपिटल है। अंकारा जो है ये टर्की की कैपिटल है, ये अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। तो कल वाले डिस्कशन में जो हमने कवर किया था कि इटली की कैपिटल अंकारा है, उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। लेबनान की बात करें, लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरत। और ये जो इटली की कैपिटल है रोम, ये काफी बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। अब इम्पोर्टेंट है जापान, ये जापान की लोकेशन है, ये देखिए आप, ये इसकी राजधानी है टोक्यो। जैपनीज येन ये करेंसी है, और योशिहिदे सुगा ये प्रधानमंत्री हैं जापान के। सेंडाई, योकोहामा, नगोया और हिरोशिमा, ये चारों शहर ये जापान में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी 4 सितंबर 2021 से कोलंबिया और किस शहर की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यूयॉर्क। कोलंबिया और न्यूयॉर्क की ये 6 दिवसीय यात्रा पर जाएंगी 4 सितंबर 2021 को। खबरों में रहा, रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो ये नेशनल पार्क काफी दिनों से न्यूज में है, तो ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। सेवंथ क्वेश्चन का,
सी आंसर सही है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में किसने पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में रजत पदक जीता? तो बताइए 8th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो 8th क्वेश्चन का सही आंसर है प्रवीण कुमार, बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भैलर मतलब किसको भैलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो ये देखो इंडियन बायोलॉजिस्ट हैं, नाम क्या है इनका, जो नाम है ये है शैलेंद्र सिंह। इनको अभी हाल ही में भैलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बात करें इन दूसरे ऑप्शन की, जैसे पंकज कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह ये भी रिसेंटली BSF के नए DGP अपॉइंट किए गए। अनिरुद्ध बालाजी, अनिरुद्ध बालाजी को इंडो रशियन IT एसोसिएशन इसका नया अध्यक्ष चुना गया। भोला सिंह की बात करें तो भोला सिंह को नॉर्दर्न कोल फील्ड में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। सबर्ना रॉय, इनका नाम भी न्यूज में था, क्यों? क्योंकि इनको टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो 9th क्वेश्चन का जो है शैलेंद्र सिंह, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्या है? शैलेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सितंबर 2021 को किस बैंक का बाजार मूल्य 5 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा पार कर गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ICICI बैंक, बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की? तो गोवा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनेंगी? तो बीवी नागरत्ना, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन 2 से 5 सितंबर 2021 तक स्लोवेनिया, क्रोशिया और डेनमार्क की आधिकारिक यात्रा पर जाने के लिए तैयार है? तो एस जयशंकर, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक किसने जीता? तो ये बताइए ये किसने जीता, ये जीता सुमित अंतिल ने। देखो ये जो फोर्थ में है ना, फोर्थ क्वेश्चन में जो लिखा गया है इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये सुमित अंतिल नहीं है। यहाँ पे जो आएगा ना ये आएगा मारियप्पन थंगावेलु, मारियप्पन थंगावेलु ये सही आंसर है। इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता है। किस राज्य की सरकार ने राज्य में बाढ़ प्रभावित छात्रों के लिए कैचअप पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया? तो बिहार इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आनंद मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो LIC ऑफ इंडिया, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान को औरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम शुरू किया है? विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? किस राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के खाद्य आयोग की वेबसाइट लॉन्च की है? भारतीय सेना 3 से 16 सितंबर 2021 तक किस देश में आयोजित होने वाले एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जापट 2021 में भाग लेगी? सितंबर 2021 में भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 आयोजित कर रहा है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।